तो इस वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि भाई मेरा गिल्ड कैसे ज्वाइन किया जाए। और दूसरी बात तो गाइस ये है कि भाई ये भी मैं बताऊँगा इस वाले वीडियो में कि बीए स्पोर्ट मैंने क्यों छोड़ा है। वैसे तो किक किया गया था, छोड़ने की तो बात ही नहीं है, तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इस वाले वीडियो में भाई क्या क्या सीन था, क्यों किक किया गया, तो भाई सब कुछ बताने वाला तुम लोग को। सबसे पहले भाई जान लेते हैं भाई यहाँ पर मेरा जो GS आर्मी का जो ग्लोरी है वो है 7 लाख। तो भाई 7 लाख ग्लोरी है, तो यार जो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं यार आ सकते हैं। तुम लोग को फिलहाल तो अभी बस GS आर्मी 006 ही लिखना पड़ेगा, लेकिन यार जून या जुलाई में मैं नाम चेंज कर दूंगा इसका। भाई 500 डायमंड लगते हैं, तुम लोग जानते हैं, मैं नाम चेंज कर दूंगा इसका। तो उसमें भाई तुम लोग फिर आराम से, बस तुम लोग को कुछ नहीं सर्च करना है, सिंपली UID डालना पड़ेगा। अभी तो बस तुम नाम से ही सर्च कर पाओगे, तो ये फालतू बातें हम लोग छोड़ते हैं। फिलहाल मैं गाइस तुम लोग को बताने वाला हूँ कि मेरा ये जितने भी गिल्ड मेंबर ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो जितने भी गिल्ड मेंबर तुम साथ में खेलते हो, तो भाई सब लोग को बताना कि भाई ये वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि यार ये वाला वीडियो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तुम में से काफ़ी सारे लोग अभी फ़िलहाल अच्छा नहीं खेल पाते हो, ये तो तुम भी जानते होंगे। वैसे मैं भी अभी अच्छा नहीं खेल पाता, क्योंकि यार इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा प्लेयर है ही नहीं जो सबसे परफेक्ट खेलता है। यहाँ तक कि वासियों भी परफेक्ट नहीं खेलता, उससे भी अच्छा कोई खेलता होगा, और उससे अच्छा जो खेलता होगा वो उससे भी अच्छा कोई खेलता होगा। तो कोई भी पूरा का पूरा परफेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो मैं तुम लोग बताने वाला हूँ कि भाई जैसे तुम मेरे गिल्ड में घुसो, तो तुम लोग अपना नाम कैसे रखना है मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने रखा ना GS, और कोई और स्टाइल नहीं चाहिए मेरे को, ऐसी GS रखना है, और भाई कोई भी अलग से इफेक्ट नहीं डालना है, ऐसी GS लिखना है। फिर यहाँ पे अंडरस्कोर का ये वाला साइन डालना है। फिर उसके बाद आप लोग को अपना कैसे भी नाम रख सकते हो, जैसे लेजेंड ने अपना यहाँ पे थोड़ा सा L थोड़ा सा छोटा टाइप का लिखा है, तो वैसे तुम भी लिख सकते हो अपना। जैसे मैंने नॉर्मली लिख दिया कैपिटल लेटर इसमें मयंक, तो वैसे तुम लोग लिख सकते हो। और भाई दूसरी बात कही हमारे गिल्ड में भाई प्रो मतलब कैसे बना जाए, और मैं ये भी तुम लोग को बताने वाला हूँ कि भाई हमारे गिल्ड में बहुत ही ज़्यादा गिल्ड वॉर होने वाले हैं, मतलब दूसरे गिल्ड के साथ हम लोग वॉर करेंगे, और भाई एक दूसरे के बीच में वॉर करते रहेंगे। और यहाँ पर हम लोग ई स्पोर्ट टीम भी बनाएंगे, तो जितने भी लोग ई स्पोर्ट में इंटरेस्ट हो यार गिल्ड ज्वाइन करना, मैं सब कुछ बताने वाला। और जब सारे लोग अपना नाम GS रख देंगे, फिर हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे जिसमें हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो वैसा भी अभी सीन होने वाला है। तो यार सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि तुम में से काफ़ी सारे लोग नूब हो अभी फ़िलहाल नूब हो, मैं नहीं बोला कि हमेशा नूब रहोगे, ठीक है, अभी फ़िलहाल नूब हो, तो तुम लोग प्रो कैसे बनोगे। तुम लोग गाइस कुछ नहीं करना है, एरो IB के मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स देखना है, और उसको अच्छे से गाइस अपने पे क्या कहते हैं अप्लाई करना है। तो भाई सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया था फिलहाल। तो यहाँ पे तुम लोग ऐसी वीडियोस देखने और समझना है भाई वो क्या कहता है, और फिर वैसा तुम लोगों को खेलना है। और भाई तुम में से बहुत सारे लोग अगर हेडशॉट नहीं मार पाते हैं, तो यार ट्रेनिंग में जाके प्रैक्टिस करो। मैंने भी ऐसी किया था, तो भाई मेरा भी हेडशॉट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो भाई मतलब पहले जैसे मेरा था ना, उससे मेरा बहुत ही ज़्यादा हेडशॉट रेट बढ़ गया है जब मैं ट्रेनिंग में जाके प्रैक्टिस करने लगा। तो तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, तुम लोग अगर खाली बैठे हो और तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त नहीं खेला तुम्हारे साथ, तो तुम लोगों को क्या करना है, ट्रेनिंग में जाके नॉर्मली ऐसी प्रैक्टिस करना है हेडशॉट का, और हर एक शॉट हेडशॉट मारने की कोशिश करना। और हेडशॉट सबकी टिप्स एंड ट्रिक्स तुम देखो ना यार, तुम लोग देखते नहीं हो यार, तुम लोग भाई हेडशॉट सबकी टिप्स एंड ट्रिक्स देखो, और हर एक चीज़ की टिप्स एंड ट्रिक देखो, ठीक है। और तुम में से काफ़ी सारे लोग बोलोगे कि भाई टूर्नामेंट में भाई हम लोग कैसे अच्छा खेले, स्ट्रैटेजीज कैसे भाई अच्छे से लाए। तो भाई तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स लाते होंगे टूर्नामेंट हाइलाइट्स, तो तुम लोगों को क्या करना है, वो सब वीडियोस बस देखनी है, तुम लोगों को समझ में आ जाएगी, या फिर तुम टूर्नामेंट लाइव में भी देख सकते हो, तो वैसे तुम लोगों को पता चल जाएगा वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, मतलब हम लोग कैसे सेम बंदे को मारते हैं उस जगह पर, और वो लोग कैसे मार रहे हैं सेम बंदे को उस पर्टिकुलर जगह पर। तो वैसे तुम समझ जाओगे भाई कैसे होता है ये, और तुम लोग अपना मूवमेंट सब भी गाइस बढ़ाओ। और भाई देखो ऐसा प्लेयर चाहिए भाई मेरे को, मतलब जो हर एक प्लेट अच्छा खेले, मतलब जैसे हर एक प्लेटफॉर्म में अच्छा खेले, जैसे कि वो क्लैश स्क्वाड में भी अच्छा खेले, क्लैश स्क्वाड मतलब अनलिमिटेड कस्टम वाले में भी अच्छा खेले, और टूर्नामेंट में भी अच्छा खेले। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा तुम लोग को, टी किलर, तो भाई वो भी हर एक प्लेटफॉर्म में अच्छा खेलता है, मतलब क्लैश स्क्वाड में भी खेलता है, क्लैश स्क्वाड अनलिमिटेड वाले में तो तुम जानते हो भाई क्या ही भाई ओपी खेलता है, और भाई टूर्नामेंट में भी ओपी ही खेलता है भाई, मतलब हेडशॉट रेट उसका मतलब 50 के ऊपर रहता है रैंक में, समझ रहे हो। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो यार तुम लोग को सिंपली भाई ऐसे ही करना है, तुम लोग भाई ये ऐसे बस समझो इस चीज़ को, ठीक है, और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रो बना दो, ऐसा प्रो बना दो ना कि भाई मतलब सब लोग तुम्हारे साथ खेलना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई कोई तुम्हारे साथ खेलना ही नहीं चाहे, तुम लोग तुम्हें इग्नोर करें। भाई मैं तुम लोग बता देता हूँ ना यार, मेरे को पहले बहुत सारे लोग इग्नोर करते थे, लेकिन वो लोग अब मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे, तो तुम लोग समझ ही सकते हो यार, मतलब पहले एक टाइम हुआ करता था जिससे मैं बोलता था भाई मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, उन लोगों ने मेरे को फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा,
फ्यूचर में, तो वो तभी हुआ जब मैंने अपना गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा हाई किया। और तुम में से काफ़ी सारे लोग सोचते हो कि भाई मैं बहुत ही सब टिप्स एंड ट्रिक देख लिया लेकिन तब भी प्रो नहीं बन पा रहा हूँ, तो यार तुम लोग ये गलती कर रहे हो, वो तुम प्रो प्लेयर के साथ नहीं खेल रहे हो। तुम लोगों को क्या करना है, इस प्रो प्लेयर के साथ खेलना है, उसको हराना है, और जिस प्रो प्लेयर को हराया उससे भी ज़्यादा प्रो प्लेयर के साथ फिर खेलना है और फिर उसको भी हराना है। तो ऐसे जब तक तुम लोग करने लगोगे तुम लोग ऑटोमेटिकली गाइस प्रो बन जाओगे, ये मैंने खुद किया है। तो अभी फ़िलहाल मैंने जितने प्रो प्लेयर्स को हराया उनसे उस लेवल पे मैं अच्छा खेलता हूँ, उससे ऊपर वाले प्रो प्लेयर को अगर मैं हराऊंगा तो उससे ऊपर वाले लेवल वाले पे भी मैं अच्छे से खेलने लगूंगा। तो यार समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ वीडियो में, पता नहीं शायद से वीडियो थोड़ा लेंदी बना है, लेकिन यार अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है तो यार ठीक है, और भाई नहीं समझ में आ रहा तो यार वीडियो वापस देख लो। तो यहाँ पे तुम लोग गाइस कुछ नहीं करना है, मैं बता देता हूँ जो लोग भाई यूआईडी मांगते गिल्ड का, तो मैं उन लोगों को ये भी दिखा देता हूँ गिल्ड इन्फ्यू, यहाँ पे यूआईडी है गिल्ड की, तो यहाँ से तुम देख सकते हो यूआईडी यहाँ पे ये है और नेम ये है गिल्ड का। और भाई बीए स्पोर्ट में मेरे को क्यों किया मैं बता देता हूँ। तो यार हुआ ये था ना कि बीए स्पोर्ट में ऐसे ऐसे बंदे रखे जाते हैं जो मतलब क्या बोले, जिनका आईडी अच्छा रहे, मतलब लेवल अच्छा, या फिर वो ग्रैंड मास्टर में जाए और वो लोग का कुछ नाम हो, मतलब गेम प्ले में कुछ ऐसे नहीं रहता है। अब भाई उसका गिल्ड का चॉइस है, इसीलिए भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं तुम लोग को बता दूंगा मतलब उतना गेम प्ले उतना नहीं रहता है। और उसका मैं एक प्रूफ दिखा देता हूँ तुम लोग को, मेरे फ्रेंड लिस्ट में एक बंदा है वो बीए स्पोर्ट में, और उसका वो देख लो गाइस, और प्रोफाइल और मेरा प्रोफाइल देख लो, यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ, यहाँ पर क्या नाम था उसका ये देखो गाइस, अभी देखता हूँ इसको भाई, मैं दिखा देता हूँ इसका। तो यहाँ पे ये वाला बंदा मालूम बहुत हद से ज़्यादा टॉप अप करता है, इसके पास मतलब स्कार का भी मतलब पूरा मैक्स है और MP40 भी मैक्स है। मैं तुम लोग को इसका दिखा देता हूँ, इसका क्लैश स्क्वाड रैंक का भी देख सकते हो, हेडशॉट रेट कितना कम है, KD 1.42 का, मेरा भी इस बार का कम है, मेरा हर बार गाइस तुम लोग जानते हो 2.2 के अब अभी रहता है, इस बार कम क्यों है तुम लोग भी जानते होगे, क्योंकि यार मैं बीच में गया था गाइस, बाहर गया था, वहाँ नेट तो चलता नहीं था और मैं 15 दिन तक गया था, और शायद से उसी के आसपास शायद से वो भी रैंक सीजन भी स्टार्ट हुआ था क्लैश स्क्वाड का, इसीलिए बहुत ही ख़राब चला गया मेरा। फिलहाल अभी तो अच्छा जा रहा है, अभी तुम लोग फिलहाल मेरा देख सकते हो, मेरा अभी शायद से 1.60 KD हो गया था, अभी देखना पड़ेगा, अभी 1.75 कर दिया, अभी मैं इसको और इम्प्रूव कर दूंगा। फिलहाल तो अभी जहाँ पे मैं वहाँ पे नेट अच्छा नहीं लगा, तो अभी तो फिलहाल अच्छा कर लूँगा। हेडशॉट रेट भी गए तुम लोग जानते हो गया, मैं शुरुआत में मेरा 60 का रहता था, तो अभी 41 इसीलिए हो गया क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो कोई नहीं यार, ये सब ठीक कर देंगे, तुम लोग समझ ही सकते हो कैसे प्लेयर को रखा जाता है। तो बीए स्पोर्ट में मैं तुम लोग एक और दिखा दूंगा, बीए स्नाइपर, इसका भी देख सकते गाइस, इसका भी देख लो गाइस, देख लो ना तुम लोग खुद देख लो यार क्यों रखा गया गिल्ड में। रैंक का भी देख लो भाई, मेरा रैंक का देख लो, मेरा रैंक का देखो, मेरे को किक कर दिया और इन सब को ले लिया भाई, बताओ यार। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, इसमें इन लोग का चॉइस रहता है, इन लोग के दोस्त रहते होंगे तो अपने दोस्त सबको रखते हैं ये लोग, मेरे को भाई क्या मतलब। तो कोई नहीं यार, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बोलूँगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।